हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। कल हमने पढ़ा था कैसे हम रियल नंबर को नंबर लाइन में शो करते हैं। आज उसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, ये मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो प्लीज़ उसे आप पहले देख लीजिए अगर नहीं देखा है, और अगर देख लिया है तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएगा। सो आपको कह रहा है कि आपको 3.765 को नंबर लाइन में शो करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस की हेल्प से। ओके, तो हम कैसे इसे शो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने नंबर लाइन बनाई, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है, 3.765 को हमें इस नंबर लाइन में शो करना है। तो मैंने क्या कहा था आपसे, सबसे पहले क्या करना है, इसे हमें चेकआउट करना है कि ये किन दो नंबर के बीच में आता है। 3.765 3 और 4 के बीच में आएगा, तो हम क्या करेंगे, इस 3 और 4 को मैग्नीफाई करेंगे, यानी उसे एज्यूम करेंगे कि हम इसे जूम कर रहे हैं और हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसकी एक नंबर लाइन हम बनाएंगे। हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ करी और इससे क्या माना, 3 और 4, ये 3 और 4 के बीच का जो गैप है वो हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, और इसे हम मान लेते हैं 4। ओके, अब यहाँ पे हमें देखना है 3.765 कहाँ पे आएगा। पहले हमें देखना है 3.7 कहाँ पे आएगा। 3.7 ये जो है, ये हमारा 3.7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 6.5 लाने के लिए फिर से ये नंबर किन दो नंबर के बीच में आएगा, 3.7 और 3.8। तो हम इस 3.7 3.8 का के बीच का जो गैप है, इसे फिर से जूम आउट अज्यूम कर दें कि हमने इसे जूम कर रखा है, और फिर से हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको हमने नंबर लाइन में ड्रॉ कर दिया और इसे फिर से नेमिंग कर दी 3.7 और 3.8। फिर से इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79। सो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, 3.76 कहाँ पे आएगा, ये है हमारा 3.76 वाला पॉइंट। फिर हमें देखना है 3.765 कहाँ पे आएगा। अब फिर से हम क्या करते हैं, 3.765 लाने के लिए फिर से वो गैप लेंगे जिन दो नंबर के बीच में हमारा 3.765 आएगा। तो किसके बीच में आएगा, 3.76 और 3.77 के बीच में। हम फिर से इसे नंबर लाइन में शो कर लेते हैं। फिर से हमने एक नंबर लाइन बनाई, उसके वापस 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे हम, 3.76 और ये ले लिया 3.77। फिर से हम इसके 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पे 3.77 ले लिया, ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स करें। फिर हम क्या करते हैं, इसे नेमिंग दे देते हैं, 3.61 हो गया, 3.62 हो गया, 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 and 3.769। अब हमें वो नंबर ढूंढना है जो कि हमें नंबर लाइन में शो करना था। तो क्या था, 3.765
3.765 या क्या, इसे हम क्या लिख देंगे 3.765 लिख देंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन प्रोसेस कहते हैं. ओके, हमने क्या किया, इसे नंबर लाइन में सो कर दिया 3.765 को. नेक्स्ट हमारे पास है विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. ये आपको खुद करना है, मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करोगे आप. 4.26 बार को 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको क्या करना है, पहले तो बार को रिपीट, बार मतलब क्या है, हमारी वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है, यानी कि ये 4.26 हमारा अप टू रिपीट हो रहा होगा, लेकिन हमें सिर्फ 4 डेसिमल प्लेस तक ही लेना है, यानी कि डेसिमल के बाद हमें सिर्फ 4 डिजिट लेनी है इसकी. तो हमारी 4 डिजिट आ जाएंगी ये, और हमें 4.2626 का ही क्या करना है, नंबर लाइन में शो करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे कि ये जो हमारा नंबर है किन दो नंबर के बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा. फिर हम देखेंगे आगे किन दो गैप के बीच में आ रहा है, फिर हम इसे शो करेंगे यहाँ तक. फिर हम देखेंगे यहाँ ये वैल्यू जो है इससे आगे कहाँ किन दो नंबर के बीच में आएगी, फिर हम उसे उस नंबर लाइन में शो करेंगे. और हर एक नंबर लाइन को हम क्या करते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये जैसे हमने इसमें किया है. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय बच्चा पार्टी.